नमस्ते व्यूअर्स, जय हिंद। वेलकम टू डॉक्टर मेधावीज किचन। आज हम आपको एक बहुत ही अलग तरह की सब्जी बताने जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे या घर वाले सब्जियां खा के बहुत बोर हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे यहाँ सब्जी ही नहीं होती है, तो उसके लिए हम आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वेरिएशन बता रहे हैं। ये सब्जी राजस्थान में बहुत ही पॉपुलर है और इंदौर में भी बहुत सारे लोग बनाते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं सेव से सब्जी बनाने की रेसिपी। बहुत ही इजी है इसे बनाना, आप इसे जरूर बना के देखिए। वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलिए और इनबॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए। तो आइए हम बनाते हैं सेव की सब्जी। आइए हम आपको बताते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे। हमने ली है एक कटोरी सेव, एक बड़ा टमाटर, एक प्याज, आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हम पील करेंगे, और चार या पांच आप लीजिए लहसुन की कलियां। हमने एक प्याज हमने जो लिया था उसको बारीक बारीक काट लिया है, आधा टमाटर हमने काट लिया है और आधे के हमने प्यूरी बना ली है, और ये हमने लिया है लहसुन जो हमने बारीक बारीक काट लिया है, ये अदरक जो हमने किस लिया है, और ये एक हरी मिर्च जो हमने बारीक बारीक काट ली है, और हमने लिया है एक छोटा चम्मच राई और एक छोटा चम्मच जीरा। लिया है एक टेबलस्पून धनिया पाउडर, एक चुटकी हींग, थोड़ा सा गरम मसाला, देगी मिर्च, लाल मिर्च, सौंफ का पाउडर, और हमने लिया है हल्दी और नमक स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। हमने इसमें नमक लिया है आधा चम्मच। इसमें हमने पैन गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हम इसमें तेल डालेंगे। इसमें हम डालेंगे एक कड़छी तेल। अब इसमें हम अपने मसाले डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे राई, उसके बाद जीरा डालेंगे इस तरह से। तेल आप हाथ लगा के देख लीजिए, इस तरह से तेल गरम हो गया है। हम इसमें डालेंगे राई। ये जब राई डालते हैं आप तो रुकिए, तिर तिर करने लगे उसके बाद आप जीरा डालिए। राई अगर कच्ची रह जाती है तो मुंह में कणी जैसे आते हैं। अब हम डालेंगे इसमें अपना जीरा। अभी हमने इसमें अदरक पिसा हुआ डाल दिया है। अब हम डालेंगे लहसुन, बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। लो कर दीजिए गैस को। अब हम इसमें डालेंगे अपना प्याज। देखिए प्याज हमें बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाए इतना करना है हमें। देखिए तेल हमने इसमें मूंगफली का यूज किया है जो कि पहली दानी का जिसको बोलते हैं निकाल के, आप जो भी तेल अपने उसमें यूज करते हैं आप यूज कर सकते हैं, इसलिए इसमें आप देखेंगे थोड़ा झाग आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर जो हमने काटे थे, और टमाटो प्यूरी भी हम चलाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा टमाटो और टमाटो प्यूरी ऑलमोस्ट हो चुके हैं, टमाटर हमारे सॉफ्ट भी हो गए हैं, और अब इसमें डालेंगे हम सारे अपने मसाले। देखिए अब हम अपने के जो आपको पिसे मसाले हमने दिखाए थे अब वो सब हम एक साथ ही डाल देंगे इस तरह से। हमारा मसाला ऑलमोस्ट हो गया है और तेल छोड़ने लगा है साइड में। अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा कप पानी, जिसमें हमने टमाटर प्यूरी बनाई है उसी कंटेनर में हमने पानी डाल लिया है ताकि हमारा पूरा टमाटर मिल जाए। टमाटर और पानी मिलके एक ग्रेवी बन गई है। अब हम इसमें सेव डालेंगे। जो बच्चे अब रूम लेके रहते हैं कहीं बाहर अपने घर से, वो भी बना सकते हैं। जब कभी सब्जी नहीं ला पाए आप और दाल नहीं बनानी है, जल्दी बनानी है, भूख लगी है, तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इसे जरूर बना के देखिए। इसे हमें ज्यादा उबालना नहीं है क्योंकि सेव ऑलरेडी तली हुई है, ग्रेवी ऑलरेडी बनी हुई है, तो बस हम इसे एक दो उबाले देंगे और उसमें हरी धनिया डाल के इसको बंद कर देंगे। इसे अब हम बंद कर देंगे, सर्विंग बोल में निकालेंगे और ऊपर से हरी धनिया डालेंगे। अब इसके ऊपर हम हरी धनिया डालेंगे। देखिए ये बहुत अच्छी जाती है, आप रोटी के साथ खाइए, आप परांठे के साथ खाइए, आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। देखिए आप वीडियो देख के हम इनबॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी।
और आपके व्यूज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और आप इन वीडियोस को अपने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। आप इस वीडियो को देख के कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। हम जैसे जैसे वीडियोस बना रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इम्प्रोवाइज करने के लिए, लेकिन अगर आप हमें फीडबैक देंगे तो हमें पता चलेगा कि अब और हम क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको कोई स्पेशल डिश की रेसिपी जानने का मन है तो आप वो भी बताएगा, वो भी हम आपको बना के बताएंगे। और जैसे पहले कुछ वीडियोस में मेरे इनबॉक्स में कमेंट्स थे जो कि मेरे स्टूडेंट्स ने किए थे कि मैम आपकी आवाज बहुत सॉफ्ट है, आपकी आवाज बहुत धीरे आती है, तो फिर हमने इम्प्रोवाइज किया कि अपनी आवाज थोड़ी जोर से बोला मैंने, ताकि आवाज और जो इंग्रेडिएंट्स हम बता रहे हैं वो क्लियर रहे। तो हम दिन ब दिन बेटर होने की कोशिश कर रहे हैं और नेचुरली आपका सहयोग मिलेगा तो हम और बेटर होंगे। धन्यवाद।